ओम श्री गणेशाय नमः। जय माता दी। स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल चमकती किस्मत में। वेद पंडित आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों हम हर रोज़ अपने चैनल पे आपको कुछ ऐसे उपाय बताते हैं जिन्हें अपने जीवन में अपनाने से आपको आपके कार्यों में सफलता मिलती है। जी हाँ दोस्तों, हम हर रोज़ माँ गर्जिया देवी जी से आपके और आपके परिवार की कुशलता और सफलता के लिए प्रार्थना करते हैं और उम्मीद करते हैं आप लोग अपने परिवार के साथ एक अच्छा जीवन यापन कर पाएंगे। आज हम आपको एक ऐसा अद्भुत उपाय बताने जा रहे हैं जो आपको सावन के किसी भी रात को कर लेना है, आपकी खाली तिजोरियां भी धन से भर जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, लेकिन जिससे पहले हम आगे बढ़ें, हम आपसे कहना चाहेंगे यदि आप पहली बार हमारे चैनल चमकती किस्मत पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जानकारी शेयर करें जिससे कि सभी लोग इस जानकारी का पूर्ण लाभ उठा सकें। दोस्तों अब हम अपने विषय पर पुनः वापस आते हैं। सावन का महीना शुरू हो चुका है। इस साल अधिक मास के चलते सावन 2 महीने का होगा और 4 जुलाई 2023 से शुरू होकर 31 अगस्त 2023 तक रहेगा। यही वजह है कि ये पवित्र महीना धन समस्याओं से निजात पाना हो या फिर कर्ज से छुटकारा, इन सब में बहुत ही लाभकारी होता है अगर आपको सही उपाय पता हो तो। आज जो हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं वह आपको सावन की किसी भी रात में कर लेना है। इससे जो भी आपकी आर्थिक तंगी, धन से जुड़ी समस्याएं थी, वह हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी। आपको करना यह है दोस्तों कि सावन में किसी भी रात अपने घर के पास निकट जो भी मंदिर हो भोलेनाथ का, वहां आपको जाकर शिवलिंग के पास घी का एक दीपक जलाना है। इसके बाद शिवलिंग का गन्ने के रस से अभिषेक करें और अपनी जो भी आर्थिक समस्या है वो भगवान भोलेनाथ को बताएं और उनसे प्रार्थना करें कि जल्द से जल्द वो सही कर दें। ये चमत्कारी उपाय इतना अद्भुत है कि ये करने के कुछ दिन के भीतर ही आपकी धन से जुड़ी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी और आपकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर होने लगेगी, क्योंकि आपके धन के नए नए मार्ग खुलेंगे। और यदि आप कर्ज से परेशान हैं तो आपको करना यह है कि सावन में किसी भी रात शिवलिंग में जल में अक्षत यानी चावल मिलाकर अर्पित करें। इससे होगा ये कि आपको धीरे धीरे कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी और साथ ही दोस्तों यदि आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है तो वह भी आपको मिलना आरंभ हो जाएगा। अगर इन दो समस्याओं के अलावा किसी और प्रकार की समस्या है तो आपको सोमवार, सावन के किसी भी सोमवार को जल में काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर अभिषेक करना है। ऐसा करने से व्यक्ति को सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। जी हाँ दोस्तों, ये हैं वो उपाय, 3 उपाय जो आपको सावन में करने होंगे और अपनी समस्या अनुसार करें और फिर देखें भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको कैसे प्राप्त होता है। सावन महीना महादेव को ही समर्पित है। यही वजह है कि सावन के महीने में ये सब उपाय करने से भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों की सुनते हैं, जो भी परेशानी होती है समाप्त कर देते हैं। तो आप भी मौका ना गंवाएँ और ये उपाय करें। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय माता दी। धन्यवाद।